तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। और भाई आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे YouTube कम्युनिटी से, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो 40% लोग मेरे चैनल को देखते पर सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग भी कर लेना यार। एनीवेज, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम गेमिंग न्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो वो जब अपने सेकंड चैनल में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे कल, उन्होंने बताया कि उनके चैनल में फेक कॉपीराइट आया था एंड वो अपने 20 मिलियन सरप्राइज के बारे में भी बात किए जो कि डिले होते जा रहा है बहुत दिनों से। हेलो भाई, 21 मिलियन होने वाले हैं, मतलब सरप्राइज था। अभी उसी को लेकर बात चल रही थी बस 3-4 दिनों पर। यार मैं डिले करे जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतना। और एक तो यार पता नहीं भाई, लास्ट वाले GTA 5 की वीडियो पे आपको पता है किसी ने कॉपीराइट कर दिया भाई, बे मतलब समझ ही नहीं आया। बट हट भी गया यूट्यूब वाले का, निकल ले बेटा पहली फुर्सत में, कैसे कॉपीराइट दे रहा खाली पी लिया एडबी का, पता ही नहीं चला कुछ भी हो रहा भाई। एंड ऑल्सो टेक्नो गेमर्स ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, ही हैज क्रॉस्ड भुवन बाम। सो या कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर दिस। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली वो अपने एक लाइव स्ट्रीम में थारा भाई जोगिंदर के साथ जो प्राइवेट चैट्स हुए थे उसको वो पढ़ के सुनाए थे। मैंने ये कवर भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो इस चीज के ऊपर थारा भाई जोगिंदर उनको रिप्लाई किया, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो ये ट्रिगर इंसान बेटा, तेरा भी रिप्लाई आ रहा है, वेट कर चश्मे, तेरी लड़की जैसी शकल है। तू मेरे को चैलेंज कर रहा है, तू मेरी वीडियो चैट दिखा रहा है पब्लिक को, तेरे भी लगते तार दूंगा इस बार, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को YouTube के अंदर। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको एक बहुत ही कमाल का ई कॉमर्स शॉपिंग ऑफर ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका टेलीग्राम चैनल अलीबाबा लूट डील्स के नाम से है एंड इसका ऐप का नाम ऑफर्स की दुनिया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का सेल अनाउंस हो चुका है। ये सेल स्टार्ट होने वाला है 2 अक्टूबर से, और आप ऐसे ई कॉमर्स साइट्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा एंड और भी बहुत सारे से अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल, टीवी, क्लोथिंग एंड ऑल द प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करके बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी कोई साइट पे लूट ऑफर्स या फिर हैवी डिस्काउंट आती है लाइक 80-90% या फिर 1 रुपी बिग लूट प्रोडक्ट्स और फ्री प्रोडक्ट्स के ऑफर आते हैं, तो आपको सबसे पहले अलीबाबा लूट डील्स टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में अलर्ट कर दिया जाता है विद द प्रोडक्ट लिंक। कुछ एक्सक्लूसिव डील्स उनके वेबसाइट और ऐप पर भी होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया लिंक, आप जाके जरूर से डाउनलोड कर लेना। और शॉपिंग के अलावा यहाँ पे स्विगी, जोमैटो, अनअकैडमी जैसे ऐप्स के कूपन्स भी मिलते हैं, और ऑफ कोर्स ये 100% मेड इन इंडिया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो या मेक श्योर यू चेक देम आउट, आपका काफी सारा सेविंग्स होगा। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और भाई ये थोड़ा अंडररेटेड है तो सपोर्ट जरूर कर देना। एनीवेज, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले तन्मय भट्ट के बारे में। तो कल तन्मय भट्ट अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किए थे जहां पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ है, एंड उसके बाद उन्होंने ये स्टोरी में पोस्ट किया, मेक दिस माई हाईएस्ट लाइक पिक्चर एंड आई विल स्टार्ट एडिटिंग द व्लॉग। तो वो SRK के साथ एक व्लॉग भी अपलोड करने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर दिस विल बी अमेजिंग। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट अपने लास्ट लाइव स्ट्रीम में बताए थे कि उनका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, कब आने वाला है आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। 3 अक्टूबर, 4 नहीं, अभी देखता हूँ मैम। मैंने ऐसे सोचा था कि 4 अक्टूबर को एक स्पेशल वीडियो डालना है मुझे, पर अभी मुझे समझा कि 4 अक्टूबर मंडे है। 3 अक्टूबर ये डेट याद रखो, पहले और एक और बार मैं अनाउंस कर दूंगा, बट ये डेट याद रखना, बहुत एपिक अमेजिंग वीडियो आने वाला है 3 अक्टूबर को। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बारे में हु इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। मैं बात कर रहा हूँ नगाई मीनावन के बारे में, हु इज अ तमिल यूट्यूबर। ही हैज अ प्रीटी बिग चैनल एंड वो फिशिंग एंड सी फूड से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं। बट कल इनसे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया, कस्टम्स ऑफिशियल सीज 150 किलोस ऑफ गांजा फ्रॉम तमिल यूट्यूबर्स बोट। तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को एक टिप मिला था कि बोट में स्मगल किया जा रहा है ड्रग्स। तो जब वो उधर पहुंचे, जो लोग लोड कर रहे थे बोट में ये सामान, वो तो भाग गए। तो उन्होंने 150 केजीज ऑफ गांजा सीज कर लिया एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये एलिजेडली वही यूट्यूबर का बोट है। ये न्यूज जैसे ही बाहर आया उनके चैनल पे थोड़ा हेट भी जा रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो सौरभ जोशी व्लॉग्स के कॉन्टेंट को अप्रिशिएट किए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने। जी हाँ, वो एक फेसबुक पोस्ट किए जहाँ पे वो बताया कि उनके बच्चों ने बताया सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में एंड जब उनको पता चला तो बहुत अच्छा लगा देख के कि सौरभ जोशी इतना अच्छा कर रहे हैं। वो कांग्रेचुलेट किया एंड विश him well for his future. So yeah, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई, UK07 राइडर वर्सेस आमिर माजिद एंड बियर बाइकर सैमी के बारे में। तो लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम में क्या वो लोग एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। बट या उसके बाद आमिर माजिद अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए टॉकिंग अबाउट लक्ष्य, एलविश एंड सम्राट भाई, जिसको रिप्लाई करते हुए लक्ष्य भी अपने चैनल में एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए ऑन आमिर माजिद। तो UK07 राइडर ने कुछ एलिगेशन लगाए थे अगेंस्ट बियर बाइकर
मेकर सैमी एंड आमिर माजिद कि उन दोनों के बीच में प्लान्ड था कि वो लोग कुछ एक्सपोज मटेरियल निकालेंगे, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे एंड फिर वापस आके UK07 राइडर के अगेंस्ट एक्सपोज वीडियो रिलीज करेंगे। तो इस चीज का जवाब दिया बियर बाइकर सैमी ने एंड ऑल्सो ये एलिगेशन लगा दिया कि उनको पुलिस से कॉल करवा के धमकियां दिलवाई जाए। तो गाइस यहां पर अनुराग ने सबको बता रहा है कि प्राइवेट वीडियो मैंने आमिर के साथ शेयर किया। कौन सा प्राइवेट वीडियो? वो वीडियो में आप लोग देखोगे तो वहां पर अनुराग भी खुद रिकॉर्ड कर रहा था मुझे, ठीक है, एज अ प्रूफ के लिए। तो वो प्राइवेट वीडियो कैसे हो सकता है? देखो ये जो उसने जो बता रहा था ना कि जो प्राइवेट वाला वीडियो मैंने उसको भेजा है पहले से, ये कब मैंने भेजा है? और जो अनुराग की वीडियो में दिख रहा है वो ना टाइम को उलट पुलट कर रहा है। उस टाइम पे जो हमारे भाई हैं वो उस टाइम पे नेपाल में थे और भाई ने मेरे को बोला, उस भाई ने मेरे को बोला कि भाई जो है वो नेपाल में फंस गया, उसके साथ ऐसा सा क्लेश हो रहा है। ड्यूक ने मेरे को बताया कि भाई ये चीजें आमिर के साथ भी हुआ है और आमिर मेरे कॉन्टेक्ट में है, तो मैं आमिर को बताता हूँ ये सारी चीजें। गाइज वहीं से ना हम दोनों का जो है कॉन्टेक्ट हुआ। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो 20 तारीख को आमिर ने क्या लिखा है कि हाय ब्रो व्हाट हैपेंड। तो मेरे पास उसका नंबर सेव भी नहीं था, तो मैंने लिखा था हु इज दिस, तो उसने लिखा आमिर दिस साइड। तब मैंने क्या लिखा कि भाई सारी चीजें मुझे सुनना है क्या। अच्छा आपका नाम बताइए। धारा चौकी में, मैं तो यूके में नहीं हूँ ना भैया जी। हमारा कहना ये है कि उसका जो भी है अगर व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ मत डालो, सोशल मीडिया में अगर कोई गलत की है ना लड़की। हाँ तो लड़की झूठ नहीं बोल सकती है क्या? मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात। हाँ बोलिए। चाहे लड़की कुछ भी होता है सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते, ठीक है ना? क्यों नहीं डाल सकता? अगर अब इसके बाद चारों आज इंस्टाग्राम में लाइव आए थे, सम्राट भाई, एलविश यादव, लक्ष्य चौधरी एंड UK07। उन्होंने डिस्कशन किया अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ रिप्लाईज भी दिए, बट मेनली सम्राट भाई बताए कि FIR भी करवाया जा सकता है आमिर माजिद के अगेंस्ट। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, अभी एक फिजिकल FIR जो थाने में जाके करेगा वो अभी अपना अनुराग कर देगा, आजकल में हो जाएगा। मैंने उसको एडवोकेट दे दिए। अलग अलग स्टेट से हम लोग FIR करने वाले हैं, अलग अलग स्टेट से। अब देखो ये जम्मू कश्मीर का, तो इधर थोड़ा सा गवर्नमेंट सॉफ्ट कॉर्नर लेती है, तो हमको क्या करना है, ट्विटर पे थोड़ा प्रेशर बढ़ाना है कि जल्दी अरेस्ट हो। और वो जो राइस बैग है, क्या नाम है उसका, सैमी, उसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, उसे तो मैं उठवा दूंगा प्राइवेट चीज पे। जो फेक एलिगेशन लगा है ना, उठेगा तो ये भी। और मैं तुम्हें पैनल कोड भी बता देता हूँ, कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, कौन। पहली बात तो गलती कल खुद ही कर दी सबसे बड़ी, वीडियो बना के। यही कह रहा हूँ, देख भाई अगर जेल जाने से बचना है ना, तो आज तक जितने स्पॉन्सर से जितना पैसा मारा है वो रेडी कर ले, उतने तो तुझे कमीशन में देने पड़ जाएंगे। इसने एक करा था साइबर बुलिंग अपना, अब इसने बोला खुद अपनी वीडियो में बोला कि ऑनलाइन आकर कुत्तों जैसा रो रहा था, बिल्ली जैसा। मतलब इसने खुद कबूल कर लिया कि मैंने इसको हरेश किया और रुला दिया, ठीक है। दूसरी चीज, लड़की को बहुत गालियां पड़ रही है, इसने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब इसने इंटेंशनली लड़की को गाली पड़वाई। सेक्शन 499 लगेगा, सेक्शन 294 लगेगा, सेक्शन 66AIT Act 2008, 504 और 506, इतने सेक्शन को तेरे ऊपर FIR करवाएंगे। और इनमें से तो एक जो है ये वाली, शायद 66A वाली, कंफर्म नहीं, एडवोकेट से पूछना पड़ेगा, जिसमें तेरे को वो भी नहीं मिलनी जमानत, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं ले सकता। तो चारों भाई इसको यूट्यूब रिव्यू करके एक बार मेरे को फाइनल बताए। FIR होते ही YouTube को टैग करना। इसके बाद एलविश ये स्टोरी अपलोड किया आमिर माजिद टुमारो, इसका मतलब इनके तरफ से भी एक रोस्ट वीडियो आने वाला है। एनीवेज तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं क्रेजी XYZ और मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो इन दोनों के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनते हैं कि मिस्टर इंडियन हैकर वर्सेस क्रेजी XYZ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टफ, बट कल दोनों अपने चैनल्स में कोलैब वीडियो बनाए एक साथ एंड ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट क्रेजी XYZ के चैनल में जो कोलैब वीडियो गया वहां पे दोनों के उनके डायमंड प्ले बटन को अनबॉक्सिंग किए, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फुकरा इंसान का यूट्यूबर्स के साथ एक बहुत बड़ा कोलैब वीडियो आने वाला है, विच विल बी अ हाइड एंड सीक वीडियो। आज उन्होंने पोस्ट करके ये भी बता दिया कि जो भी इस इवेंट को जीतेगा उसको 2 लाख रुपीज मिलेगा। ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ फुकरा इंसान, तो वो अपने सेकंड चैनल में एक वीडियो अपलोड किए रिसेंटली। साइमन सेज एंड लक्ष्य चौधरी दोनों उनको रोस्ट किए थे, उन्हीं वीडियोस के ऊपर वो अपना रिएक्शन दिए एंड आई विन रोस्ट को काफी स्पोर्टिंगली लिए
बाकी अगर आपको उनका वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट योर टाइप ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन गेमर बॉय नितिन ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन स्नैक्स गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन गेट सेट फ्लाई साइंस ने कंप्लीट कर चुके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली गियर इंस्टीट्यूट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बस जाने से पहले भूलना मत अलीबाबा लूट डील्स के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना एंड ऑफर्स की दुनिया को ऐप को डाउनलोड कर लेना। सही में आपका शॉपिंग करने पे काफी ज्यादा बचत हो जाएगा। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड न्यूज सबमिशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।